गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम संकट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में क्या है इसके कि एक इनकी पूर्णतः अप्रत्याश, कल जो पढ़ा था वो क्या था, प्रत्याश संकट था, प्रत्याश संकट पढ़ा था पिछली बार में, आज पढ़ेंगे अप्रत्याश संकट। ठीक है, प्रत्याश अप्रत्याश की परिभाषा पढ़ी थी। प्रत्याश में क्या होता है, रेखीय संवेग संकट के पहले और संकट के पश्चात, और गति ऊर्जा भी संकट के पहले और संकट के पश्चात बराबर थी। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे उसमें रेखीय संवेग तो संकट के पहले और पश्चात में बराबर निकलेगा, लेकिन जो गति ऊर्जा होती है पहले और बाद की क्या होगी, बदल जाएगी। इसलिए क्या होता है, बदलती है मतलब कि संकट के पहले गति ऊर्जा ज्यादा थी और टकराने के बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए क्या निकालना है, ऊर्जा की हानि, मतलब कितनी ऊर्जा की हानि होती है, कितनी गति कम हो जाती है। ठीक है, तो शुरुआत वैसी होगी M1 और M2, मतलब A B क्या है, हमारी दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1 और M2 है, और वे क्रमशः U1 और U2 वेग से गतिशील है, जिसमें U1 वेग ज्यादा होता है U2 का कम, तभी जाके टकराएंगे। और टकराने के पश्चात क्या होती, कल जब हमने देखा था दोनों अलग अलग स्पीड से चलने लगती, लेकिन आज क्या हो रहा है, अप्रत्यय संकट में दोनों आपस में चिपक गए, मतलब ये वस्तु आ रही है इससे टकराती है, इसको साथ में लेते हुए चलने लगे। तब दोनों वस्तुएं जब आपस में चिपक गई, मतलब दोनों का वजन यानी कि दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, सेम हो जाएगा, मतलब कि क्या होगा, दोनों मिला के एक वस्तु बन जाएगी, तो दोनों के द्रव्यमान क्या हो गए, ऊपर दोनों मिला के एक ही वस्तु बन गई, तो दोनों के द्रव्यमान जुड़ गए M1 + M2, और दोनों की स्पीड एक ही होगी, इसलिए दोनों की स्पीड क्या होगी, V मान। ठीक है, तो रेखीय संवेग के नियम से पहले क्या निकालते हैं, संवेग, रेखीय संवेग संरक्षण, नियम से संकट के पूर्व संवेग बराबर संकट के पश्चात संवेग। संकट के पूर्व क्या होता है, M1U1 + M2U2, ये होगा द्रव्यमान वेग, द्रव्यमान वेग दोनों का प्लस। संकट के पश्चात क्या हो रहा है, द्रव्यमान क्या आ जाएगा हमारा M1 + M2, और वेग क्या हो गया अभी, ठीक है, यहां से v का मान निकालना है, M1U1 + M2U2 अपॉन में क्या आ जाएगा, M1 + M2 बराबर में क्या है, ठीक है। इसको समीकरण एक, अब यदि हम यहाँ पे एक स्थिति मान लें, यदि एक कंडीशन है हमारे पास, क्या अगर हम ये मान लें कि जैसे U1 आया इससे टकराया और इसको साथ में लेते हुए चला, तो A भी चल रहा है B भी चल रहा है, लेकिन A की स्पीड ज्यादा थी इसलिए उसने आगे इसको हिट किया या पीछे से ठोक दिया। ठीक है, अब अगर अपन ये मान लें कि वस्तु B जो है वो पेशली, मतलब एक कार, ये दोनों कार चल रही है, ठीक है, एक कार की स्पीड कम और दूसरे की ज्यादा है, जो पीछे से आगे उसने इसको टकराते हुए लेके दोनों जा रही है। अपन ये मान लेंगे ये वस्तु ये जो है हमारी खड़ी थी कार, एक ही कार चल रही, दूसरी तो खड़ी थी और टकरा के इसको लेते हुए जा रही, तो अगर इसको अपन स्थिर मान लें तो इसका वेग किसके बराबर हो जाएगा, मतलब U2 जो हमारा वेग था ये क्या हो गया, 0, मतलब ये कार चल ही नहीं थी तो वेग क्या मान लेंगे, 0। यदि वस्तु B स्थिर हो, वस्तु B स्थिर हो तो उसका जो वेग है U2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर U2 को 0 मानेंगे तो ये जो हमारा समीकरण है इसमें U2 क्या हो गया आपका, 0। अगर ये 0 होता तो पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0, मतलब मिलेगा क्या आपको, M1 U1 + M2 इसका तो क्या मिलेगा, B समीकरण नंबर क्या देते हैं इसको, 2 जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसको समीकरण 2 और इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो M1 में क्या मिल रहा है, M1 + M2 B में क्या मिल रहा है, क्या जरा इस समीकरण को जरा ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है, ऊपर M1 है मतलब एक वस्तु का द्रव्यमान है, और नीचे M1 + M2 मतलब दोनों के द्रव्यमान है, तो नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाला छोटा, तो वैसा ही क्या होगा, बराबर के इधर भी, मतलब नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाला छोटा, तो नीचे क्या है वस्तु का प्रारंभिक वेग है, और B क्या है अंतिम वेग, मतलब प्रारंभिक वेग मतलब वस्तु जब टकराने के पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी और टकराने के बाद क्या होगी कम,
ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है कि उसके अंदर क्या हुआ है, वेलोसिटी मतलब वेग का क्या हुआ है, हानि हुई है। अब क्या निकालेंगे, गति ऊर्जा, अतः टकराने के पूर्व या संघट के पूर्व गति ऊर्जा, ठीक है, तो टकराने पहले की गति ऊर्जा क्या नाम देते हैं, K1 A से दर्शाते हैं, ठीक, टकराने के पहले गति ऊर्जा, टकराने के पहले अपन ने मान लिया ये तो स्थिर है, तो गति ऊर्जा का सवाल ही नहीं होता, इसकी कोई नहीं गति ही है, तो गति ऊर्जा का सूत्र लगेगा, इसकी गति है तो ये चल रही है, तो इसके लिए सूत्र क्या लगेगा, हाफ एम बी स्क्वायर होता, तो एम की जगह द्रव्यमान एम1 है, इसलिए एम1, और वेग क्या है u1 है, तो u1, और उसका क्या आता है स्क्वायर, हाफ एम1 u1 स्क्वायर, और टकराने के पश्चात गति ऊर्जा, टकराने के पश्चात दोनों वस्तुएं चिपक के चल रही है, गति ऊर्जा का नाम देंगे k2 बराबर हाफ द्रव्यमान आ जाएगा m1 प्लस m2, और वेग क्या है v का स्क्वायर, k2 बराबर 1 by 2 m1 प्लस m2, ये देखो v, तो v की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है, ये v का मान क्या रख देंगे यहां पे इस v की जगह, ये आ जाएगा m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2, और यहाँ पे स्क्वायर हो गया केवल बी का मान, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, k2 बराबर 1 by 2 m1 प्लस m2, इसका होल स्क्वायर हटाओ, हटाते हैं तो m1 का भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, फिर ये u1 का स्क्वायर, और अपॉन में ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये एक से एक ब्रैकेट आपका कैंसिल हो गया, तो k2 बराबर क्या मिलेगा, 1 by 2 ऊपर मिलेगा m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, अपॉन में मिलेगा एक ब्रैकेट m1 प्लस m2 का, इसको दे देते हैं, इसको दे दो समीकरण 3 और ये समीकरण 4, ये हमारा k1 का मान हो गया, k2 का मान, अब इसको क्या करना है, भाग देना है, तो k1 में k2 का यहां पर जैसा आएगा बताओ, k1 में a2 is equal to k1 का मान है half m1 u1 का स्क्वायर, और a2 का मान है half m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, और इसके अपॉन में आ रहा है m1 का m2, ये देखो हाफ से हाफ कैंसिल, ये u1 स्क्वायर से पूरा u1 स्क्वायर कैंसिल, और यहां ऊपर एक m1 है और नीचे एक m1 का स्क्वायर, तो k1 अपॉन में a2 is equal to, देखो ये k1 से k1 कटा मतलब यहां पे k1 बचेगा, और ये बटे के नीचे बटा तो ये वाला हिस्सा पलट लेना चला जाएगा आपका ऊपर, तो ऊपर आएगा m1 प्लस m2, ये और यहां बटे में क्या बचेगा m1, अभी समीकरण को जरा ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन में देखो ऊपर क्या है m1 प्लस m2 मतलब दो वस्तुओं का द्रव्यमान है, और नीचे m1 मतलब टकराने के पहले की एक वस्तु का द्रव्यमान, तो ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे छोटा, तो इधर भी क्या होगा ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे छोटा, मतलब k1 का मान बड़ा है, k1 क्या टकराने के पहले की गति ऊर्जा, और k2 क्या टकराने के बाद की गति ऊर्जा, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा कि टकराने के पहले वस्तु ज्यादा तेज चल रही थी, और टकराने के पश्चात उसकी स्पीड क्या हुई घट गई, इसलिए एक ही अप्रत्यय संघट में सदैव क्या होता है ऊर्जा की हानि होती है, याद आपका चैप्टर 6 जो हमारे चल रहा था वो क्या हो गया आज खत्म हो गया, अब क्या पढ़ेंगे चैप्टर 7।